हेलो। हेलो, हाँ रिंकेश, क्या हाल है भाई? बस भाई मस्त मजा में। तू बता कैसा है? बस मजा में। बता भाई, और अपने पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी में क्या चल रहा है भाई? जी पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी, डाउट बता भाई क्या डाउट है तुझे? तो क्या है, बस ये कब तक आएगी यार? कब तक लॉन्च होगा? हाँ, और एक बात और बताओ मेरे को, जैसे कोई नया बंदा अभी अगर जुड़ना चाहे तो ठीक है, उसकी कितनी पाई हो जाएगी महीने भर में इकट्ठी, ये बताओ। ओके ओके। देख रिंकू, अभी यदि कोई बंदा पाई नेटवर्क प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता है, ठीक है, तो उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक हाँ, है, समय तो कम है। अच्छा, समय कम बचा हुआ है क्योंकि पाई नेटवर्क का ओपन मेननेट बिल्कुल रेडी है, ये मान के चल तू। ठीक है, अभी उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा, मुश्किल से मुश्किल रिंकू है ना, 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है, और अच्छा 1 महीने में उसको 4 पाई मिलेगी, समझ रहा क्या है? भाई, स्लो होगी स्पीड? बिल्कुल बिल्कुल, स्पीड बिल्कुल स्लो है यदि वो कोई टीम नहीं बनाता है। यदि वो टीम बनाता है, रेफरल टीम बनाता है, तो बात अलग है। यदि वो बंदा अकेला पाई की माइनिंग करता है तो 1 महीने में जाके उसको 4 पाई बनेगी। ठीक है, ठीक है। हाँ तो अभी पाई की स्पीड बहुत स्लो है मेरे भाई। और पाई की सबसे बड़ी बात क्या है रिंकू, जैसे जैसे पाई प्रोग्रेस कर रहा है ना, जैसे जैसे पाई डेवलपमेंट कर रहा है, जैसे जैसे टेक टीम इसकी प्रोग्रेस कर रही है, वैसे वैसे इसमें स्कैमर्स पैदा हो गए हैं मेरे भाई। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है, मतलब इतने सारे मैसेजेस आते हैं दिन भर में रिंकू, क्या बताऊं मेरे भाई। व्हाट्सएप पे इतने ज्यादा मैसेज आते हैं और ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो स्कैमर्स हैं। ठीक है, जी, तो अपने को एक ही चीज का ध्यान रखना है मेरे भाई, कि अपने को किसी भी अनऑथराइज लिंक पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, ठीक नहीं है। तो अच्छा, मैं 101% बोल रहा हूँ भाई, तेरे वॉलेट से जितने भी पाई के कॉइन है ना, सारे के सारे एक झटके में गायब हो जाएंगे, तुझे पता भी नहीं लगेगा, तेरा वॉलेट खाली हो जाएगा। ठीक है, और जो ठीक है। 4-5 साल की जो मेहनत है ना, वो जीरो हो जाएगी, ये मान ले तू। अब कुछ लोग एक बात की बोल रहे हैं कि यदि ये कोई बंदा पाई का ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है, यदि सपोज कर रिंकेश सुभाष को पाई भेज रहा है, सुभाष किसी दूसरे व्यक्ति को पाई भेज रहा है, तो उनका पाई का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यदि मेरे भाई ऐसे ही पाई के अकाउंट यदि ब्लॉक होने लग गए ना, तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि हर एक बंदा कहीं ना कहीं पे ट्रांजेक्शन कर रहा है पाई के जरिए। जिसका ओपन मैनेट, जिसका मतलब है पाई, जिसका वॉलेट में आ चुका है, वो बंदा कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन कर रहा है। यदि ऐसा ही हुआ, यदि पाई का ट्रांजेक्शन करने पर ही यदि अकाउंट यदि बंद होने लगे, तो शायद मोस्टली सारे के सारे अकाउंट ही बंद हो जाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता काफी हद तक ये बात सही है क्या। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं रिंकू ओपन मैनेट की। ठीक है, ओपन मैनेट का मतलब पाई का सिक्का बाजार में कब आएगा, इसकी रियल वैल्यू का कब पता चलेगा। तो ये मान के चल रिंकू, ओपन मैनेट के मेरे भाई नजदीक से नजदीक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब वो वाली बात नहीं है कि साल लगेगा, 6 महीने लगेगा, नहीं। ठीक है, अब ओपन मैनेट पाई नेटवर्क के लॉन्चिंग की पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। मतलब हजारों में, लाखों में एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्रीज, बिजनेस पाई नेटवर्क से जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि जब पाई नेटवर्क का सिक्का लॉन्च होगा, तो पाई नेटवर्क एक्सचेंज पे ही लॉन्च नहीं होगा मेरे भाई, इसकी जो यूटिलिटीज जो बना रहा है, ये जो एप्लीकेशंस जो बना रहा है ना, मेन मुद्दे वाली बात ये है। ठीक है, देख दो तरीके, तेरे पास सपोज कर तेरे पास 1000 पाई है। ठीक है, एक जी एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ तेरे को, तेरे पास 1000 पाई है, तू चाहता है कि 1000 पाई को एक्सचेंज पे सेल कर दे और उसके बदले में अपना पैसा ले ले। दूसरी बात ये है रिंकू, जैसे तेरे पास 1000 पाई है, तो 1000 पाई के बदले में कुछ पाई देके यदि तू गुड्स और सर्विसेज का आनंद लेना चाहता है, जैसे जी पाई नेटवर्क के बहुत सारी चीजें यार, जैसे मैंने तुझे पहले भी बता रखी है मेरे भाई, ये 100 एप्लीकेशंस बना रहा है। ठीक है, 100 एप्लीकेशंस का मतलब सुई से लेके हवाई जहाज तक, तुझे कुछ भी परचेज करना है, कुछ बाई करना है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, कोई सर्विस का आनंद लेना है। ठीक है, तो पाई नेटवर्क के क्यूआर कोड के जरिए तू ले सकता है मेरे भाई। ठीक है, ये आगे आने वाले दिनों में पॉसिबल होगा, ये सारी की सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना मेरे भाई। जब पाई का ओपन मैनेट आ जाएगा ना, तब सर्विस, तब ये पॉसिबल होगा। सपोज कर किसी नाई की दुकान पे खड़ा हुआ है, तू हेयर ड्रेसर पे खड़ा हुआ है, अपनी कटिंग करवा रहा है, और उसके वहां पे पाई का क्यूआर कोड लगा हुआ है। ठीक है, तो उस क्यूआर ठीक कोड को स्कैन करके तू उसको पे कर सकता है। आगे है। आने वाले टाइम में जिस हिसाब से पाई की प्लानिंग चल रही है, तुझे कहीं विदेश में जाना है, तुझे कहीं टिकट्स बुक करवानी है, हवाई जहाज की यात्रा करनी है, एक्स वाई जेड, जिस प्रकार के एप्लीकेशन, जिस प्रकार के यूटिलिटीज पाई नेटवर्क बना रहा है ना मेरे भाई, उसको देख के लग रहा है कि पाई का जो फ्यूचर है ना, वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है, और पाइनियर्स का जो फ्यूचर है ना, वो भी बहुत बड़ा ब्राइट होने वाला है। ठीक है। मतलब एक लंबा इंतजार जो था ना रिंकू, जो इतने लंबे समय से जो इंतजार करा, 4-5 साल का जो इंतजार करा ना, उसका जो सब्र का फल है ना, वो शायद रिंकू मान के चल मेरे भाई की मीठा ही होगा। ये सब्र का जो फल है ना, ये सड़ेगा नहीं।
ठीक है, कुछ क्या होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है रिंकू, यदि ज्यादा उनके बारे में इंतजार करते हैं, ज्यादा सब्र करते हैं ना, तो उनके जो नतीजे होते तो हैं ना वो बेकार होते हैं। बट पाई नेटवर्क पे इतने लोगों का विश्वास है कि पाई नेटवर्क के जो सब्र का फल है ना, वो शायद मेरे भाई 101% मीठा ही होगा। एक तेरे को ठीक अपडेट बताता हूँ पाई नेटवर्क को लेकर, एक चैनल है रिंकू जिसका नाम है hokanews.com, ठीक है, है। तो अच्छा गूगल पे सर्च करके देखना hokanews.com। वो क्या करता है, पाई नेटवर्क से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड खबरें बताता रहता है वो, ठीक है। उसकी डेली नई नई अपडेट्स आती रहती है और उसकी अपडेट में काफी हद तक सच्चाई भी होती है। अभी उसने रिसेंटली एक बड़ी अपडेट बताई है कि अमेजोन और टेस्ला, ठीक है, जी अमेजोन और टेस्ला जो पेमेंट मेथड जो यूज करेगा ना आने आगे आने वाले दिनों में, वो पाई नेटवर्क के मेथड को यूज करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। अच्छा समझ रहा है, अमेजोन भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और जो टेस्ला है वो भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इन दोनों के बारे में अपडेट आ रही है कि ये दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म आगे आने वाले दिनों में पाई नेटवर्क के पेमेंट मेथड को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक शायद यार है। रिंकू, यदि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी भी यदि पाई पेमेंट मेथड को यदि एक्सेप्ट करने लग जाती है मेरे भाई, तो शायद मेरे हिसाब से रिंकू 101% जिंदगी बदलेगी मेरे भाई। ठीक है, ठीक सबसे है बड़ी बात क्या है कि इसकी कम्युनिटी स्ट्रांग है मेरे भाई, पाई नेटवर्क की जो कम्युनिटी है, मैं और तू, ठीक है, इसके अलावा और भी जो मिलियंस में जो पायनियर्स हैं, वो एक बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी पाई नेटवर्क ने बना ली है। इसकी जो टेक टीम है वो भी बहुत ही सुपीरियर टेक टीम पाई नेटवर्क के पास है, और सबसे बड़ी बात इसके जो फाउंडर हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, यूटिलिटी बेस्ड प्रोग्राम है रिंकू। तो इसकी वैल्यू की क्या बात कर रहा था, कितनी वैल्यू, $100 बोल रहा था, क्या बोल रहा था, हाँ 100 जी 100 डॉलर था ना, तुझे अभी जी भी अपनी बात पे कायम है कि इसकी वैल्यू इतनी जा सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा, मतलब बिल्कुल तुझे, कहा। मतलब पक्का पक्का पूरा पूरा विश्वास लग रहा है कि हाँ इतनी वैल्यू जा सकती है? हाँ कम से कम तो इतना आनी चाहिए यार। रिंकू देख, पाई नेटवर्क की जो प्राइस की जो प्रेडिक्शन आ रहे हैं ना मेरे भाई, ठीक है, जिस हिसाब से मैप पाई पे और ये अभी जिनका पाई फेस्ट चल रहा है, इसके हिसाब से यदि काउंट करके देखे ना मेरे भाई, इसकी वैल्यू जा सकती है इतनी। ठीक है, जो तेरा प्राइस जो प्रडिक्शन है, 3 डिजिट का जो तेरा प्रडिक्शन है, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जा सकती है। और बाकी जो भी आएगा वो अच्छा ही आएगा यार। हाँ, जो भी आएगा वो अच्छा ही आएगा हाँ रिंकू। मेन बात तो ये है कि देख, पाइनियर्स के पास सीधा सिंपल कुछ नहीं करना है, 24 घंटे में एक बार माइनिंग वाले बटन पर क्लिक करना है, इसके अलावा किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो पाई के सिक्के गायब हो जाएंगे। इसके अलावा KYC को कंप्लीट करना है और मैननेट चेकलिस्ट के जो 9 स्टेप हैं वो कंप्लीट करना है। अगर वो कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज का इंतजार करना है, वो है ओपन मैननेट का। ठीक है, जी ओपन मैननेट का या पाई का जो फाइनल प्राइस अभी पता है रिंकू क्या है, यदि अदर कंट्रीज की बात करते हैं ना, लोग GCV वैल्यू को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, 3,14,159 US डॉलर को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बट यदि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में लोग जो है ना इस GCV वैल्यू को सपोर्ट करने वाले हैं, बट कम है। ठीक है, यदि मैं मेरी बात करता हूँ तो भाई मैं खुद चाहता हूँ कि पाई नेटवर्क का जो प्राइस है वो GCV वैल्यू को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे। ठीक है, बट लेट्स सी ब्रदर, जब इसका रियल टाइम आएगा ना तब पता चलेगा कि पाई नेटवर्क का प्राइस क्या जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वेट कर, इंतजार कर, अब ज्यादा दिन का इंतजार नहीं है, इसका जो ओपन मैनेट है मेरे भाई वो जल्दी से जल्दी आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है रिंकेश, ठीक है भाई। जो भी रिंकेश और सुभाष को सुन रहे हैं, यदि फर्स्ट टाइम यदि आप हमारी लाइव चर्चा को सुन रहे हैं, इस ऑडियो को सुन रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हमारी कोशिश रहेगी पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो भी खबर आएगी वो आप तक डिलीवर करने की। थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर। ओके ब्रो।